बढ़ते आगे, देहरादून में हुए इन्वेस्टर्स समिट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट होने जा रहा है, जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और पहाड़ों से हो रहा पलायन भी रुकेगा। अजय भट्ट का कहना है कि इन्वेस्टर्स समिट में पहुंची कई कंपनियों ने जल्द ही बड़े निवेश के संकेत दिए हैं। वहीं विपक्ष द्वारा इन्वेस्टर्स समिट पर उठाए जा रहे सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा हिट एंड रन वाली राजनीति करती रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अपना चश्मा बदलना चाहिए। जबकि अभी शुरुआत हुई है, इतनी अच्छी शुरुआत हुई है, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर आज हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अपने वहां तो कुछ किया ही नहीं, कोई प्रयास ही नहीं किया। आज जब प्रयास कर रहे हैं और उसमें भी विघ्न बाधा डाल के भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, कांग्रेस की इस नीति का हम हमेशा से विरोध करते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपना चश्मा बदलें, टीन का चश्मा न लगाएं, कांच का लगाएं और नंबर ठीक कराएं। अंकित शाह संवाददाता जुड़ चुके हैं देहरादून से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर जिस तरीके से विपक्षी निशाना साध रहे हैं, अंकित क्या कयास लगाए जाए इसको देखते हुए? देखिए, आपको बता दें कि देहरादून में हुए इन्वेस्टर्स समिट से जहां भाजपा खुश नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार इस मामले पर प्रदेश सरकार का हमलावर है। वहीं विपक्ष लगातार कह रहा है कि जिस तरह से भाजपा ने इन्वेस्टर्स समिट की है पर सिर्फ फिजूल खर्ची की है, इसमें प्रदेश को कोई लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। वही महजवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने साफ तौर पर कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवाल की खंडना कर की है और साफ तौर पर उनका कहा है कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही मकसद है, हिट एंड रन वाला, और लगातार कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश विकास की ओर बढ़े, क्योंकि भाजपा सरकार जब से प्रदेश में बनी है तब से लगातार विकास करते आ रही है। और यही मद्देनजर दिल्ली में हुए इन्वेस्टर समिट को लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी की थी और यही कारण है कि आज प्रदेश में इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्टर मीटिंग्स कर रहे हैं और बेरोजगारों को एक नया रोजगार देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और जी बिल्कुल, अंकित कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स समिट के जरिए बेरोजगारी दूर होगी और पलायन में भी रुकावट आएगी। इससे जो स्थानीय लोग हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया आपने लेने की कोशिश की? देखिए, बात करें सबसे बड़ा सवाल जो आपने पूछा, पलायन के रुकेगा, क्योंकि लगातार प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही है और दोनों ने सरकारों ने कहा है कि हम पलायन को रोकने के लिए कई प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जनता में दिखता साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहाड़ के स्थिति जो है कि लगातार पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो भी प्रयास लगाई जा रही है कि हम लोग इन्वेस्टर सबमिट की है और यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर अपना उद्योग लगाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर कब कब यहाँ पर उद्योग लगेगा, गांव गांव तक उद्योग पहुंचेगा, ताकि जो पलायन जैसी स्थिति है वो पलायन जैसी स्थिति कम हो सके। जी अंकित, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमाने लगी है और कांग्रेस जिस तरीके से इसमें आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स समिट के जरिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो निवेश कर रही हैं और इसके जरिए कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी दूर होगी और जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलता नजर आएगा। और आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग हैं इस बात को लेकर लोगों में खुशी भी देखी जा रही है।